तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं अप्सरा का ये मैक्नो इरेजर। ये अप्सरा की तरफ से आता है मैक्नो इरेजर। ये टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का बेस्ट अल्टरनेटिव है। इसमें पीछे साइड में अप्सरा लिखा हुआ और मैक्नो इरेजर लिखा हुआ। यहाँ पर और इसमें कुछ यूज करने का नियम मतलब रूल्स दिया हुआ, कैसे यूज कर सकते। और इसका MRP ओनली 20 रुपीज़ है। और ये कुछ नहीं है, चिल्ड्रेंट के लिए बना मैट फॉर चिल्ड्रेन। और इसे खोलिए, इसके अंदर में हमें 2 इरेजर मिल जाता है। और इसका अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये प्लास्टिक का बना है और डिफरेंट कलर में आता है, जिस कलर में चाहे उस कलर में मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पीछे तरफ से क्लिक करने से इरेजर बाहर आता है, जिस तरह से मैकेनिकल पेंसिल होता है उसी तरह से इसका भी सिस्टम होता है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया और इसका बॉडी में पीछे साइड से भी जरा खुल जाता है। और यहाँ से आप चाहे तो इरेजर डाल सकते हो पीछे से और क्लिक करके बाहर निकाल सकते हो। जिस ये सेम मैकेनिकल पेंसिल के मैकेनिज्म पर मतलब बना है, जिस तरह से मैकेनिकल पेंसिल को हम यूज़ करते उसी प्रकार से इसको भी यूज किया जाता है। अब चलिए इसे यूज करके देखते जरा। हम फर्स्ट यहाँ पर कुछ ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2D पेंसिल। ये अप्सरा का ग्रेफाइट पेंसिल, इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहते जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा पेंसिल है, मैंने चेक किया, पर आप जाकर देख ले, आपके अनुसार से ख़राब भी हो सकता है। इसका सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। इससे मैंने फर्स्ट एक लाइट सेट किया, उसके बाद फिर एक डार्क सेट किया, मतलब एक वन लेयर का और एक मैनी लेयर का। आप शेडिंग किस तरह से करते हैं मतलब मैं करता हूँ, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दे यस, तो मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा कि आप शेडिंग कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार की शेडिंग होता है, ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। मैं अब डार्क ग्रेड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब इसे तो डार्क भी करना है। ऐसे आप हमेशा इतना शेडिंग का भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देता। सेटिंग में आप हमेशा क्रॉस हैचिंग का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर वीडियो अगर कहेंगे तो मैं बना दूँगा, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा अलग अलग तरीके में, अलग अलग जैसे अलग टेक्सचर के लिए अलग शेडिंग के लिए, आपको जैसा टेक्सचर चाहिए उसके अनुसार से शेडिंग होता। अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज कर लिया। ऐसे मैं ब्लेंडिंग पर भी अगर कहेंगे तो वीडियो लेकर आऊँगा, कमेंट जरूर करें। और जल्दी से मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया। अब चलिए इसे यूज़ करके देखते कि क्या होता है इससे। फर्स्ट मैंने इससे किया तो इससे बहुत शार्प लाइन इरेज हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इरेज होता है इससे। अब चलिए थोड़ा डार्क में, ऐसे लाइट में तो नॉर्मल किसी भी इरेजर से हो जाता। वाह, इसमें भी बहुत अच्छे से इरेज हुआ, इसमें भी बहुत अच्छे से हुआ, 10B में भी बहुत अच्छे से हुआ, पर इसमें फर्स्ट टाइम में उतने अच्छे से नहीं हुआ था, पर बहुत अच्छे से हुआ। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे पहले एक बार कर लिया इसे अच्छे से। ऐसे आप देख सकते हो फिर भी पतली लाइन, बहुत पतली लाइन ड्रॉ हो रही है। चलिए इसे आप नज़दीक से देख लीजिए किस तरह से दिखता है। आप देख सकते होंगे कि इसमें बहुत बहुत पतली लाइन ड्रॉ हुई है। 10B पेंसिल में भले थोड़ा सा उतनी अच्छी लाइन नहीं हुई, पर आप अगर अदर भी अगर टोम्बो का भी यूज करेंगे तो 10B पेंसिल में होती पर उतनी भी अच्छे से नहीं होती। अब मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल पर सेट पर ट्राई करते हैं। ऐसे चारकोल पेंसिल पर आपका है तो मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, चारकोल पेंसिल का अनबॉक्सिंग वीडियो, ऐसे बेस्ट चारकोल पेंसिल कौन सा होता है मार्केट में, आप लोगों का हमेशा सवाल रहता होगा। अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे चारकोल पेंसिल आते हैं, जैसे अप्सरा के आते हैं, कैमलिन के आते हैं, ये दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है। आप चाहते और बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, पर आप कहेंगे तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा बेस्ट पेन चारकोल पेंसिल है। तो पता होगा।
सकते जितने अच्छे से मतलब इरेजर होना चाहिए था पर उतने अच्छे से। और मैं अगर आप बात करूँ इस इरेजर के मैं अपने ओपिनियन की तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ टोम्बो मोनो जीरो इरेजर की तरह नहीं है, हाँ पर उसके कंपैरिजन में अगर उसे अगर 10 में से 9 स्टार मिलता है तो इसे भी 6 स्टार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये 25 रुपीज़ के को में आ जाता है ऐसे ये इरेजर, और वो अंदर आपको 400 रुपीज़ उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैं कहूँ तो आप अगर बिगिनर है तो इसी इरेजर को लो खोले, और टोम्बो मोनो इरेजर पर तो अभी ध्यान भी नहीं दें क्योंकि वो बिगिनर के लिए कुछ ज़्यादा ही रुपए हो जाता है, उतने ज़्यादा रुपए को इन्वेस्ट करना अपने ड्राइंग के लिए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इरेजर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर करें। हाँ और इसमें लोगों को एक प्रॉब्लम होती कि जब ये यूज़ करने के बाद मोटा हो जाता तो आप इसी पर करके नॉर्मल कटर का यूज कर सकते और सामने साइड से कट करके इसे नॉर्मली यूज कर सकते जिससे कि इससे शार्प लाइन रहोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। कमेंट जरूर करें कि आप खरीदेंगे कि नहीं।